प्रोग्राम इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। किस्सा कुर्सिका में मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज हरियाणा के लिए बेहद अहम और खास दिन है क्योंकि आज 25 मई है और छठे चरण का आज चुनाव है। हरियाणा की 10 सीटों पर वोटिंग होनी है। 2,76,000 से ज्यादा मतदाता जो है आज वोट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे और साथ ही साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तमाम जो दिग्गज प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में हैं। इसी बीच आपको बता दें कि 96,000 तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का छठा चरण आज है। हरियाणा की 10 सीटों पर वोटिंग आज होने वाली है। प्रदेश की 20,000 से ज्यादा मतदान केंद्र, 176 आदर्श मतदान केंद्र प्रदेश में बनाए गए हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 96,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं। दो करोड़ 76,000 से ज्यादा मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रदेश में आपको बता दें कि मतदान को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम सुरक्षा को लेकर भी किए गए हैं। तो लोकसभा चुनाव का छठा चरण आज है। हरियाणा की 10 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। 2,76,000 से ज्यादा मतदाता, प्रदेश में 20,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 176 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आज की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि आज छठे चरण का चुनाव और हरियाणा की 10 सीटों पर वोटिंग आज होनी है। जो तमाम प्रत्याशी हैं उन सभी की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। 2,76,000 से ज्यादा मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रदेश में 20,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तमाम मतदान केंद्रों पर अलग अलग आपको बता दें व्यवस्थाएं की गई हैं। दो करोड़ 76,000 से ज्यादा लोग आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, आज मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। हालांकि देखना यह भी दिलचस्प होगा कि पिछले दिनों जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाए जाने के प्रयास लगातार किए गए थे वो प्रयास कितने सफल साबित होते हैं। आज कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं अपने उस मताधिकार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि देखिए हर एक मत बहुत अहम है। लोकसभा चुनाव का छठा चरण आज है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 96,000 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं। मतदान को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा भी कड़ी की गई है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह का कोई हंगामा देखने को ना मिले, इन तमाम चीजों के मद्देनजर सुरक्षा पुख्ता की गई है। ईवीएम में कोई खराबी ना हो, कोई तकनीकी खराबी ना हो, इन सभी चीजों का खासा ख्याल रखा गया है। 96,000 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं मतदान केंद्रों पर। मतदान को लेकर आपको बता दें कि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो तमाम केंद्र बनाए गए हैं उन सभी केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा की भी कड़े इंतजाम किए गए। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता महेंद्र जुड़े हुए हैं करनाल से, उनका रुख कर लेते हैं। महेंद्र, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं करनाल में चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि देखिए कुछ ही वक्त का इंतजार है उसके बाद मतदान वहां पर शुरू हो गया है। फिलहाल किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र का महापर्व आज हरियाणा में भी मनाया जाएगा। चुनाव का छठा चरण जो है अभी से कुछ समय बाद शुरू हो जाएगा। अभी मॉक पोल जो है वो डलवाया जाएगा, उसके बाद जो सामान्य रूप से मतदान प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। करनाल की बात की जाए तो करनाल हरियाणा की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मैदान में है। इसके अलावा करनाल विधानसभा का उपचुनाव भी होने जा रहा है, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी पार्टी के प्रत्याशी है। तो ऐसे में आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि मतदान प्रक्रिया भी से कुछ समय बाद शुरू कर दी जाएगी। बात करें करनाल लोकसभा की, 21,04,000 के करीब मतदाता यहां आज अपना मतदान करेंगे। इनके लिए 2027 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई है, ताकि मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से करवाया जा सके। जी महेंद्र, बिल्कुल, क्योंकि सबका ध्यान और सबकी कोशिश यही रहेगी कि आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो जाए और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाए जाने के प्रयास भी सभी की ओर से रहेंगे। बहरहाल कुछ ही देर में लोगों के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन क्या इस वक्त आप देख सकते हैं अगर मतदान केंद्रों पर लोग वहां पर क्या अभी से ही लाइनें लगनी शुरू हो गई है, क्या लोग वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं? और साथ ही क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व, खुद चुनाव आयोग भी इसे एक पर्व के तौर पर मना रहा है, तो क्या लोगों में भी उतना ही जोश हरियाणा के अंदर चुनाव को लेकर देखने को मिल रहा है, क्या उतना ही उत्साह लोगों में है? जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोकतंत्र का पर्व जो है लोग आज मनाने के लिए निकलेंगे, और जाहिर सी बात है लोगों में उत्साह भी है, क्योंकि करनाल में आज दो वोट उनको डालने का मौका मिलेगा, एक लोकसभा के लिए एक विधानसभा के उपचुनाव के लिए, खासा उत्साह देखने को मिलेगा। बात करें तैयारियों की, अभी जो पोलिंग बूथ पर पोलिंग पार्टियां तो मौजूद है ही, इसके साथ साथ विभिन्न पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट रहती है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं, और 7 बजे से जो है मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद ही यहाँ पर जो मतदाता है उनकी कतारें देखने को मिलेंगी। और करनाल की बात करूं तो करनाल हरियाणा का ऐसा पहला विधानसभा क्षेत्र है जहां पर पहली बार चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए वोटिंग क्यू मैनेजमेंट ऐप जो है वो शुरू किया है, ताकि जो लोग कतार में नहीं लगना चाहते वो घर बैठे ही अपने मोबाइल पर वो इस ऐप के जरिए वोटिंग क्यू दे सकते हैं कि उनको कितना इंतजार जो है मतदान प्रक्रिया में दौरान करना पड़ेगा। जैसे ने बेहद आसान किया है। इसके अलावा तमाम प्रबंध जो है मतदान केंद्रों पर किए गए, क्योंकि गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था की गई है, छाया की व्यवस्था की है, कई स्थानों पर टेंट लगाए गए हैं ताकि जो लोग मतदान के लिए आए उनको किसी तरह की दिक्कतें ना हो। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो चुनाव आयोग के तमाम कवायद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो। जी बिल्कुल महेंद्र, क्योंकि देखिए सरकार की ओर से और चुनाव आयोग की ओर से प्रयास यही किए गए हैं कि जो लोग अगर मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच सकते हैं तो उनके लिए व्यवस्था की गई है कि वो घर से वोट डालें, लेकिन फिर भी कई बार विकलांग ऐसे होते हैं या फिर कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो खुद मतदान केंद्रों पर जाते हैं और वहां पर वोट डालकर आते हैं, एक नई मिसाल कायम करते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं उन लोगों के लिए की गई है? साथ ही साथ सेल्फी कल्चर को भी बढ़ावा दिया गया है बार बार चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान, क्या जो मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं वहां पर भी ऐसी कोई व्यवस्था की गई है कि वोटर्स जब अंदर वोट डाल के आए तो बाहर आके वहां पर अपनी वो स्याही लगी उंगली का उंगली को दिखाएं और उसके साथ में फोटो क्लिक करवाकर लोगों को भी जागरूक करें मतदान के प्रति? जी बिल्कुल, आज चुनाव आयोग की तरफ से हर आयु वर्ग के मतदाता को प्रेरित करने के लिए प्रबंध जो है वो मतदान केंद्रों पर किए गए हैं। महिलाओं के लिए खासतौर पर पिंक बूथ बनाए गए हैं जहाँ की साथ सज्जा जो है गुलाबी रंग से की गई है, ताकि महिलाएं वहां पर ठहर करें। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो पोलिंग अधिकारी है वो टीम भी पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित की गई है। यहाँ मतदान केंद्रों पर जो पूरी मतदान प्रक्रिया रहेगी उसके लिए महिला अधिकारी विशेष रूप से नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा युवाओं को, खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उनको प्रेरित करने के लिए सेल्फी पॉइंट जो है अलग अलग स्थानों पर बनाए गए हैं, ताकि जब वो मतदान करें उसके बाद यदि अपनी सेल्फी सोशल मीडिया पर डालना चाहते हैं तो उसके लिए सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाए गए हैं। और इस तरह के तमाम अवेयरनेस कैंप भी चलाए गए। और जिस तरह से मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वोटर क्यू मैनेजमेंट ऐप जो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है, इसके माध्यम से खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं या जो लंबी लाइनों में नहीं लगना चाहते उनके लिए व्यवस्था रखी गई कि अपने बूथ पर वो कितनी लंबी लाइन है, कितना समय उनको लगेगा वो घर बैठे मोबाइल पर देख सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई शारीरिक रूप से असक्षम है उसके लिए व्हील चेयर का इंतजाम भी मतदान केंद्रों पर रखा गया है, ताकि किसी तरह की दिक्कत जो मतदान करने के लिए लोग आएंगे उनको मतदान केंद्रों पर ना हो।
बिल्कुल करनाल में, क्योंकि आज बहुत अहम दिन है, क्योंकि एक तो विधानसभा का उपचुनाव भी वहां पर होने वाला है और दूसरा लोकसभा को लेकर भी वोटिंग होने वाली है। दोनों ही चुनावों को लेकर बेहद उत्साहित भी वोटर्स वहां पर होंगे। जो पिछले दिनों जिस तरह से अभियान चलाए गए हैं, जिस तरह से तमाम नेता चुनाव मैदान में उतरकर कार्यक्रम करते हुए नजर आए, रैली करते हुए नजर आए, रोड शो करते हुए नजर आए, उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन रहा? जब आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, आपने लोगों से क्या बातचीत की, आपने क्या जाना लोगों से, और लोगों की ओर से क्या कुछ कहा गया मतदान को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा के चुनाव की बात की जाए तो जब से चुनाव की घोषणा हुई थी तो हरियाणा का जो चुनाव है छठे चरण में हुआ है। जैसे भी जो राजनीतिक दल है उनको एक लंबा समय मिला है जनसंपर्क का, अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का, और इसमें राजनीतिक दलों की तरफ से कोई कसर भी नहीं छोड़ी गई है। तमाम बड़े लीडर, चाहे वो केंद्र के हों चाहे वो राज्य के हों, उन्होंने अपने स्तर पर रैलियों के माध्यम से, रोड शो के माध्यम से, जनसंपर्क माध्यम से ज्यादा लोगों से मिलने का प्रयास किया। तो इसका असर भी चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिला है कि बड़ी रैलियां हुई हैं, हजारों की संख्या में लोग इनमें शामिल हुई हैं, और इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से, सामाजिक संस्थाओं की तरफ से भी जिस तरह से कैंपेनिंग चलाए गए कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए, क्योंकि आशंका जिस तरह से जताई जा रही थी कि आज के दिन ज्यादा गर्मी पड़ सकती है क्योंकि आज से नौ तपा शुरू हो रहा है, तो गर्मी की वजह से मतदान प्रतिशत में कोई गिरावट ना हो उसको देखते हुए ये पहले से इस तरह की एक्सरसाइज शुरू कर दी गई चुनाव आयोग की तरफ से कि मतदान प्रतिशत को लगातार बढ़ाने की तरफ और लेकर जाना है। तो इसी व्यवस्था, ऐसी गर्मी को देखते हुए ये तमाम प्रबंध, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चुनाव आयोग हो या सामाजिक संस्थाएं, उनकी तरफ से किए गए कि मतदान में भागीदारी बढ़े। बिल्कुल महेंद्र, क्योंकि आज वोटिंग है और बेहद अहम दिन न सिर्फ करनाल के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए, और देखना होगा कि अब कितनी बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंचते हैं और कितनी बड़ी संख्या में वोटिंग इस बार होती है। चलिए आप बने रहिएगा महेंद्र मेरे साथ भिवानी से भी रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या व्यवस्थाएँ चुनाव को लेकर की गई है वहाँ पर, किस तरह का वातावरण इस वक्त देखने को मिल रहा है वहाँ? जी बिल्कुल, तस्वीरें देखकर आप खुद पर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बूथ जो है पिंक बूथ है। प्रत्येक लोकसभा के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अगर मैं बात करूं, इस तरह के पिंक बूथ बनाए गए हैं, और भिवानी के बीपीएस स्कूल में ये पिंक बूथ बनाया गया, आप देख पाएंगे पूरी तरह से। इसमें जो है तमाम जो कर्मचारी है वो महिला कर्मचारी, उसके बाद आप लोग कोशिश करेंगे कि क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव भी है सर, तो एक मानसिक दबाव ना पड़े आप लोगों पर। इस बार रिजल्ट पूर्णतः कांग्रेस के हक में जाएगा हरियाणा में, मुझे पूरा विश्वास है। हर वर्ग का साथ, समर्थन, आशीर्वाद हमें मिल रहा है, और जैसे मैंने कहा कि रोहतक की सीट तो हम बहुत बड़े बहुमत से जीतेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ 10 की 10 सीट हरियाणा से कांग्रेस के गठबंधन की झोली में जाएंगे। बीजेपी ने यहाँ से पूरे हरियाणा में करीबन 150 से अधिक सभाएँ की चुनाव, आपको लगता है कि जनता के बीच में जो आप मुद्दे लेके जा रहे हैं, राहुल गांधी यहाँ पहुँचे हुए थे, अपनी वीर का मुद्दा उठाया, किसानों का मुद्दा उठाया, वो उन सभाओं पर भारी पड़ेगा और आप लोगों के पक्ष में लोग जो है वोट देंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये मुद्दों का ही चुनाव है, और ये सही बात है, भाजपा ने तो अपना पूरा प्रयास किया, हर राजनीतिक दल प्रजातंत्र में अधिकार है सबको। रोहतक लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें, आपने देखा होगा कि भाजपा के मौजूदा अध्यक्ष, मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, 3 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, गडकरी जी और राजनाथ सिंह जी, और 4 अभी मौजूदा मुख्यमंत्री रोहतक लोकसभा सीट पे आए। शायद भाजपा के और भी कोई अगर हो तो वो भेज देते कोई शायद, लेकिन किसी को भेजें हमें तो कोई ऐसी बात नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप को भी बुला लें रोहतक में, हमें कोई बात नहीं। हम लोग, सारी जनता हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, और आप जब नतीजा आएगा तो आप देखना। हरियाणा में जो राहुल जी ने वादे किए, जो न्याय पत्र में वादे हैं अग्निवीर के लिए कि हम हटा देंगे, क्या आप लोग इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि सरकार बनते ही, यदि सरकार बनती है तो आप उनको जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि ये वीरों की धरती है? ये निश्चित तौर से ये एक बड़ा मुद्दा हरियाणा के अंदर, अग्निवीर जो योजना है ये ना देश हित में, ना फौज हित में, ना नौजवान हित में, और ये कांग्रेस पार्टी गठबंधन सरकार बनते ही अग्निवीर कच्ची भर्ती जाएगी और फौज में दोबारा से पक्की भर्ती आएगी।
तो चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं भिवानी, जहां से रवि जांगड़ा संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई है वोटिंग को लेकर आज? जिक्र कर रहा था कि पिंक बूथ बनाया गया है प्रत्येक लोकसभा के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में। भिवानी की अगर मैं बात करूं, भिवानी तो श्याम लोहारू ये तीन जो विधानसभा है ये भिवानी में पड़ती है। भिवानी महेंद्रगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं, चरखी दादरी जिले में दो विधानसभाएं हैं, चरखी दादरी और बाडड़ा। और इससे इधर अगर बात की जाए, महेंद्रगढ़ जिले में भी चार विधानसभाएं हैं, महेंद्रगढ़, नारनोल, इसके अलावा अटेली मंडी और नांगल चौधरी। 17,93,029 वो वोटर जो है आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। 1,187 लोकेशंस हैं, 1933 बूथ बनाए गए हैं और प्रत्येक जो है लोकसभा के प्रत्येक विधानसभा में इस तरह का जो है बूथ बनाया गया है। 5-लेयर सुरक्षा, अगर मैं सुरक्षा के लिहाज से बात करूं, और क्योंकि गर्मी आज प्रचंड पड़ने वाली है, जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया था और उसके मुताबिक देखा जा सकता है, इस बार तमाम वो व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी नहीं पहुंची है, ORS के पैकेट्स जो है वो लेकर आएंगे। इससे इतर अगर बात की जाए, जितने भी जो चुनावी अमला था, चुनावी अमले के कर्मचारी थे, उनको तमाम को जो है नींबू इत्यादि दिए गए थे ताकि गर्मी से वो अपना बचाव कर सके। इसके अलावा तमाम वो हिदायतें वेबकैम के जरिए इस बार निगरानी की जा रही है। प्रदेश के तमाम जितने भी बूथ बनाए गए हैं, तो लोकतंत्र का महापर्व है, हम भी लोगों से यही अपील करेंगे कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। वोट चाहे किसी को दें, लेकिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि देश की बड़ी पंचायत का चुनाव है, संसद का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, और इस लोकसभा के चुनाव में तमाम लोगों की भागीदारी होना बेहद जरूरी है। स्वीप अभियान चलाए गए थे, और इससे इतर अगर बात करूं, विगत चुनाव के आंकड़ों की अगर मैं उस पर हकीकत पर गौर फरमाऊं, 72% मतदान रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन इस बार जो है प्रशासन का एक मंतव्य है, उनका कहना था कि आंकड़ा जो है वो 85 पार जाना चाहिए। तो अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि गर्मी का प्रकोप, प्रचंड गर्मी, तापमान जो है उसका टॉर्चर भी देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल की भी अगर बात करें, हालांकि हवाएं अभी चल रही हैं, लेकिन बावजूद इसके अब लोग कितना वोट कर पाते हैं ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल तमाम सियासी दलों के द्वारा जिस तरह से पारे को गरमाने का प्रयास किया गया था, तमाम सियासी दलों के द्वारा जिस तरह से कोशिशें की गई थी कि अधिक से अधिक लोग जो है, कहीं एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी, कहीं जो है विकास के नाम पर वोट दिए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन बहरहाल अब लोगों को तय करना है कि आखिर किस तरह से वोट करते हैं, कितनी वोट प्रतिशतता होती है, और वही तय करेगा देश की बड़ी पंचायत के चुनाव में आखिर सरकार किसकी बनती है, किसको चैंपियन बनाया जाता है, किसको पटकनी दी जाती है। जी बिल्कुल रवि, क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन प्रदेश के लिए है, और देखना होगा कि पिछले दिनों जिस तरह से जागरूकता चुनाव को लेकर, वोटिंग को लेकर फैलाई गई, जो अभियान चलाए गए, वो कितने सफल साबित होते हैं। और आज यही पता लगेगा जब मतदान केंद्रों पर मतदाता वोटिंग के लिए पहुंचेंगे। रवि आप मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए एक बार फिर से करनाल का रुख कर लेते हैं। महेंद्र, फिलहाल करनाल में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि देखिए 6:20 का समय हो गया है और कुछ 40 मिनट का समय अब बचा है वोटिंग शुरू होने के दौरान, अब वोटिंग शुरू होने के लिए, तो क्या मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया, क्या लाइनें लगनी वहां पर शुरू हो गई, क्या ऐसी कोई तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? देखिए मैं अभी जिस बूथ पर हूँ, यहाँ पर अभी पोलिंग पार्टियां पहले से मौजूद थी, और अब जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनके एजेंट्स जो निर्धारित किए जाते हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी उनकी एंट्री होगी, उसके बाद मॉक पोल होगा करीब 6:30 बजे, और उसके बाद आधे घंटे बाद ही जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी से हालांकि इक्का दुक्का लोग पहुंचने जरूर शुरू हुए, लेकिन लंबी कतारें अभी देखने को नहीं मिल रही हैं। लेकिन जिस तरह से 7 बजे का समय निर्धारित किया गया, उसके बाद जाहिर सी बात है कि एक रश जो है वो पोलिंग बूथ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि वो सुबह जब मौसम थोड़ा ठंडा रहता है उस समय ही अपनी मतदान की प्रक्रिया को पूरा करें, क्योंकि दिन भर आज गर्मी रहने के आसार है। ऐसे में सुबह के समय लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल सकती हैं। और जिस तरह से बात की जाए, कवायद जो की गई थी वो आह्वान सामाजिक संस्थाओं की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से भी किया गया है कि लोग गर्मी के चलते मतदान पर असर ना डालें, अपनी वोट जो है जरूर पोल करके जाएं। तो इसको लेकर आज किस तरह से दिन भर की रूपरेखा रहेगी, लोग किस तरह से पहुंचते हैं और मतदान केंद्रों पर कितनी लंबी कतारें लगती है, ये देखने वाली बात होगी। और इंडिया न्यूज हरियाणा भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि लोकतंत्र के इस पर्व में ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी। जी बिल्कुल महेंद्र, क्योंकि हर एक मत का अपना महत्व होता है, और अपील सभी लोगों से यही की जाएगी कि आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी हिस्सेदारी इसमें दें, लोग अपनी भागीदारी इसमें दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और